उन्हें शासन पद्धतियों से बेहतर माना गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जैसे आपने पढ़ा भी था कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही इस शासन पद्धति में शासन करते हैं तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करते हैं। इसी वजह से इस शासन पद्धति को गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों से अच्छी माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग करता है तथा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जनता के हितों की अवहेलनाएं की जाती है, एक व्यक्ति का शासन होता है। जैसे कि नेपाल के राजा तथा सऊदी अरब के जो शाह लोग हैं, उनको जो पद प्राप्त हुए हैं वो अपने वंश या कुल से ही प्राप्त होते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। वहां पर नागरिकों को, सऊदी अरब में आज भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। वहां नागरिकों के हितों की अवहेलनाएं की जाती है, जबकि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति लोगों के हितों को भी ध्यान में रखती है। अब हम इस शासन प्रणाली के गुण व इसके पक्ष में तर्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, शासक का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति को शासक का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता के हितों को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करते हैं। यदि जनता के द्वारा चुने हुए शासक जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो जनता आने वाले चुनाव में उन्हें अपना वोट नहीं देगी तथा उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शासन पद्धति को अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप कहा गया है। सेकेंड पॉइंट है, निर्णय विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जन प्रतिनिधियों की शासन पद्धति है। इस पद्धति में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो काफी विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का निर्णय यहाँ पर मान्य नहीं होता। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जन प्रतिनिधि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेते हैं तथा विभिन्न प्रतिनिधियों की राय विभिन्न होती है। काफी विचार विमर्श के बाद ही सही कानून पर निर्णय लिया जाता है कि कौन सा कानून जनता के हित में है। कोई नियम यदि हित में नहीं है जनता के तो उसको खारिज कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं वो जनता के हितों में को ध्यान में रखते हुए काफी विचार विमर्श के बाद ही लिए जाते हैं। थर्ड गुण है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव टकराव को संभालने का तरीका है वो सिर्फ लोकतांत्रिक शासन पद्धति में है। भारत एक विशाल देश है, विभिन्न विभिन्नता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, और उनके बीच इतने लोगों के बीच भेदभाव आपसी मन मुटाव टकराव होना जायज बात है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन पद्धति में लोगों के इस तरह के भेदभाव या मन मुटाव को दूर करने का तरीका भी उपलब्ध है। यहाँ अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण नहीं कर सकता, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए न्यायालय की शरण ले सकता है, जबकि अन्य गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसका चौथा गुण है कि यह समानता पर अधिकार आधारित है। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो समानता पर आधारित है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। भारत में प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई भी उच्च या निम्न जाति का नहीं है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। ठीक करने का
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक गुण यह भी है कि शासन पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या भारत का नागरिक हो, यदि उससे कोई भी गलती हुई है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गलती ठीक करने का अवसर दिया जाता है। या तो व्यक्ति अपनी गलती में सुधार कर ले या फिर उसे अन्य कई ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे कि उसे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर जरूर मिलता है। इसमें यह कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो शासक वर्ग है यदि उससे के द्वारा कोई भी गलती की जाती है तो उसकी गलती पर व्यापक चर्चा की गुंजाइश रहती है। लोकतंत्र में गलतियों को छिपाया नहीं जाता। यदि कोई भी शासक वर्ग गलती करता है तो उसकी गलतियों पर व्यापक चर्चा होती है। या तो शासक अपना फैसला बदल ले या फिर उस शासक को ही बदल दिया जाता है, उस जनप्रतिनिधि को ही चेंज कर दिया जाता है। 6 पॉइंट है कि जनता द्वारा जो चुने गए शासक है शासक निरंकुश नहीं होते। निरंकुश तानाशाह अभी हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के गुणों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इसके अवगुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या दोष है। अस्थिरता पैदा होती है। फर्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन पद्धति का प्रथम अवगुण है कि शासन पद्धति में स्थिरता पैदा होती है। भारत जैसे देश में चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं। प्रत्येक चुनाव में नेता बदलते रहते हैं। नेता बदलने की वजह से इस पद्धति में अस्थिरता पैदा होती है कि इस चुनाव में तो कोई आपके क्षेत्र का एमएलए एमपी रहा है, आने वाले अगले चुनाव में आपके क्षेत्र का एमएलए एमपी बदल जाएगा, तो जिससे कि अस्थिरता पैदा होती है और आने जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता के हितों का इतना ध्यान भी नहीं होता कि उनका कल्याण किस बात में है। तो इसे यह माना जाता है कि इस शासन पद्धति में अस्थिरता
पैदा होती है कि बार बार नेता बदलते रहते हैं। सेकंड आर्गुमेंट नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति का एक अवगुण यह है कि इसमें नैतिकता नाम की कोई भी जगह नहीं है। यहाँ जो चुनाव होते हैं वो केवल राजनीतिक सत्ता या कुर्सी की चाह के लिए होते हैं कि जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सिर्फ कुर्सी की चाह के लिए और अपने हितों या निजी स्वार्थों के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, जिससे कि शासन पद्धति में नैतिकता नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। भ्रष्टाचार को लोकतांत्रिक शासन पद्धति को एक खर्चीली शासन पद्धति भी कहा जाता है। चुनाव के समय बहुत अधिक पैसा यहाँ उम्मीदवार खर्च करते हैं। चुनाव में होने वाला खर्चा देश के ऊपर एक कर्ज के रूप में बढ़ता है, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जो अमीर नेता लोग हैं चुनाव में गरीबों के पास लालच देकर उनके वोट को खरीद लेते हैं। गरीब लोग अपने परिवार का अपना पेट भरने के लिए अपने वोट को बेच देते हैं, जिससे कि समाज में भ्रष्टाचार की भावना बढ़ती है तथा इस चुनाव पद्धति को एक भ्रष्टाचारी शासन पद्धति भी इसके आलोचकों ने माना है। फोर्थ पॉइंट है फैसले लेने में देर। अभी हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के गुणों में पढ़ा था कि यहाँ काफी लंबे विचार विमर्श के बाद भी फैसले लिए जाते हैं, जबकि इस शासन पद्धति के आलोचकों का कहना है कि इस शासन प्रणाली में जो फैसले हैं वो लेने में काफी समय लग जाता है, जब तक कि उस बात का कोई औचित्य ही नहीं रहता जिसके लिए वो फैसला लिया गया है, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनमें किसी एक व्यक्ति का मत मान्य नहीं है। विभिन्न व्यक्ति अपनी राय देते हैं और उस राय को ही माना जाता है, जिसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। अधिक प्रतिनिधियों के अलग अलग विचारों में निर्णय लेने में असहमति बनी रहती है, जिससे कि फैसले लेने में देरी होती है और जब तक फैसला आता है तो उस फैसले का कोई मूल्य ही नहीं रहता। इसलिए इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को का एक अवगुण यह भी है कि यहाँ पर जो भी फैसले लिए जाते हैं या जो भी कानून बनाया जाता है वो जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक अवगुण यह है कि भारत जैसे लोग में आधी से भी अधिक जनसंख्या हमारी अनपढ़ है। अनपढ़ व्यक्तियों को यही पता नहीं होता कि उनके वोट का सही उपयोग क्या है। अपने वोट के माध्यम से वो जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव तो कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति चुने जाते हैं जिन्हें शासन पद्धति का कोई ज्ञान ही नहीं होता, जिससे कि अनपढ़ लोग अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाते। भ्रष्ट है एक्शन नेताओं का चुनाव। इस शासन पद्धति का एक अवगुण यह भी माना गया है कि यहाँ पर भ्रष्ट कुशल नेताओं का चुनाव होता है। लोग पैसों के माध्यम से ही गरीब लोगों के वोट को खरीद लेते हैं तथा जिन लोगों के पास अधिक पैसा है वही लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, वही लोग चुनाव लड़ते हैं तथा भ्रष्ट कुशल नेताओं को जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं होता, जिससे कि समाज में दुराचार बढ़ता है। इसलिए शासन पद्धति को भ्रष्ट व कुशल नेताओं की शासन पद्धति भी कहा गया।